नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और अब बुलेटिन से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। दिल्ली में किराए पर रह रहे लोगों को मिली बड़ी सौगात, केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट बिजली पर की छूट की घोषणा। रंगदारी मामले में छात्रा 14 दिन के न्यायिक हिरासत में, छात्रा पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप, मामले में एसआईटी कर रही है जांच। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया बड़ा बयान, कहा 6 दिसंबर तक राम मंदिर पर आएगा फैसला, दिसंबर में शुरू होगा मंदिर निर्माण। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के रुद्रावल में नदी गांव में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। वहीं पुलिस को इस मामले में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। थाना प्रभारी के अनुसार सीमा कुशवाहा की शादी 15 दिन पहले नदी गांव निवासी रामेश्वर कुशवाहा के साथ हुई थी। सोमवार देर रात शाम सीमा कुशवाहा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंची तो वहां ससुराल पक्ष का कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस देर रात तक शव की तलाश में जुटी रही, लेकिन गांव के समीप नदी पर एक चिता मिली, जिस पर से पुलिस ने चिता की राख और मृतका की हड्डियां कब्जे में ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की जयंती पर बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। यह बाइक रैली 27 सितंबर को निकलेगी और 2 अक्टूबर को पोरबंदर पहुंचेगी। वहीं पोरबंदर से कांग्रेस नेता परेश धनानी की अगुवानी में गांधी आश्रम पहुंचेगी। गांधी जी ने 150वीं जन्म जयंती वर्ष भाग स्वरूप गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा गांधी संदेश यात्रा नु आयोजन कर सत्याग्रह ऐतिहासिक भूमि सविनय कानून भंगनी भूमि दांडी थी शुरू कर साबरमती आश्रम सुधी ने एक यात्रा निकल से एज रीते गांधी जी ने जन्मभूमि पोरबंदर थी शुरू थी ने साबरमती आश्रम सुधी बीजी यात्रा निकलवानी। शिवपुरी के कोलास थाना में पुलिस ने 2 महिला चोरों को हिरासत में लेकर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गौरतलब है कि यहां बीते दिनों दिवेंद्र जैन की सराफा दुकान पर कुछ महिलाएं खरीदार बनकर आई और चुपचाप जेवरात पर हाथ साफ कर गई। जब ज्वेलर्स को इस बात की भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल कर महिलाओं पर 5,000 इनाम की घोषणा की, जिसके बाद महिलाएं पुलिस के चुंगल में फंस गई। आरोपी महिलाएं ग्वालियर की रहने वाली हैं, जिनका नाम अनीता जाटव और बबीता जाटव बताए जा रहे हैं, जबकि एक आरोपी महिला अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आई है। ये शिवपुरी में थाना कोलारस में 17 तारीख को ज्वेलर्स की दुकान है, क्या 3 महिलाएं आई थी और बातचीत करके अपना इंटरेस्ट दिखा के उन्हें धोखाधड़ी से 30 सोने के टॉप्स लेके निकल गए थे। बाद में जो महिलाएं हुआ उसकी एफ आई आर हुई और उसमें कहीं ना कहीं उनके फोटो जो आए फुटेज में, उसके आधार पर शिवपुरी और आस पास के जिलों में उनके बारे में पतादर्शी की जा रही थी। जो हमारे एस डी ओ पी अमरनाथ वर्मा, इन्होंने यहाँ से PI सतीश चौहान और इंस्पेक्टर रविंद्र राजपूत जो नेटवर्क हैं, इनकी टीम भी लगा रखी थी, ग्वालियर भेजा था। तो वहाँ पे पता लगा कि इस तरह का मिलता जुलते जो लोग हैं, एक दो है जो मतलब जनकगंज क्षेत्र में जनरली रहता है और उनमें कुछ महिलाएं इस तरह की घटना करती हैं। उसमें बारीकी से पता लगी करके हम दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है, अनीता जाटव को और बबीता जाटव को। शिवपुरी के सिरसौ थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। घटना भावखेड़ी गांव की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने भाई बहन की निर्मम हत्या कर दी, जिसकी उम्र महज 10 से 12 साल बताई जा रही है। उस मामले पर परिजनों का कहना है कि सुबह के वक्त गांव के पंचायत भवन के पास शौच के लिए गए थे, लेकिन गांव के दबंगों की नजर बच्चों पर पड़ गई और उन्होंने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया है और जाँच शुरू कर दी गई है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण को लेकर मध्यस्थता बैठक का आयोजन किया गया। राम मंदिर विवाद का निपटारा करने के लिए मुस्लिम समुदाय का डेलीगेशन जानकी घाट पहुंचा, जहां समुदाय ने संत समाज से दस्तखत कराकर कोर्ट को पत्र सौंपा। इस डेलीगेशन में पूर्व LMA मुयद अहमद, एडवोकेट अमीर हैदर, पूर्व कस्टम कमिश्नर तारिक गौरी और पूर्व जज BD नफकी सहित अन्य समुदाय के लोग भी मौके पर मौजूद रहे।
मुस्लिम फोरम के लोगों ने कहा कि देश में प्रेम और सद्भावना बना रहे, इसलिए अयोध्या से मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के किसी मुनासिब जगह में मस्जिद के लिए भी स्थान दिया जाना चाहिए। वहीं शिवसेना के जिलाध्यक्ष अभय द्विवेदी ने कहा कि कई बार आपसी समझौते की बात हो चुकी है, लेकिन ये बात विफल साबित हुई है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वही मान्य होगा। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये अभियान चलाते आ रहे हैं, ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय पहल हाथ में ले लिया है कि इसका अंतिम समाधान हो, अंतिम निर्णय हो, तो उसके पहले ही लखनऊ से जो कुछ प्रतिष्ठित मुस्लिम तबकों ने ये अभियान छेड़ दिया था कि हम लोग इसका स्थायी समाधान के लिए हिंदुओं के जो अधिकार है, हिंदुओं की जो आस्था है, जो मांग है, वो मांग पूरा किया जाए और वहाँ से विवाद से हट कर कहीं अलग हम मस्जिद निर्माण कर लाए। हमारा मानना जहाँ तक है कि अब इसमें बहुत देर हो चुकी है, कई बार ये प्रयास किए गए और सफल नहीं हुए। अब ये न्यायालय द्वारा जो निर्णय लेना है वही सर्वोचित रहेगा, क्योंकि अब इसके मध्यस्थता बीच में रखकर समय बर्बाद करने का समय नहीं रहा है। और यथाशीघ्र अब कोर्ट इसका निर्णय दे ताकि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। सांसद साक्षी महाराज लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने गृह जनपद पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और 6 दिसंबर तक इसका फैसला आ जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी मत है कि हम दिसंबर से मंदिर निर्माण शुरू कर देंगे। साक्षी महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने चिन्मयानंद केस पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं चिन्मयानंद का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि साधु महात्मा तपस्या किया करते थे। इंद्र अपनी सत्ता बचाने के लिए मेनकाएं भेजा करता था, उनकी तपस्या भंग कर देता था। तो चिन्मयानंद के साथ जो हुआ है वो कानून के पास है, न्यायालय के पास है। जो सजा बनती हो उसके अपराध के लिए वो देनी चाहिए, परंतु वह लड़की 365 दिन कह रही है कि मेरे साथ यौन शोषण होता रहा। उनचास दिन वीडियो बनाए और लॉ की छात्रा है, जो लॉ की छात्रा हो, 49 वीडियो बनाने के बाद पता चला कि मेरा शोषण हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ये जांच का विषय है। का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि पहले साधु महात्मा तपस्या किया करते थे, तो फिर वो इंद्र अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ मेनकाएं भेजा करता था, उनकी तपस्या भंग करा देता था। तो चिन्मयानंद के साथ जो हुआ है, चिन्मयानंद जो किया है, वो कानून के पास है, न्यायालय के पास है। जो सजा बनती हो उनके अपराध के लिए वो देनी चाहिए, परंतु वह लड़की 365 दिन तक कह रही है मेरे साथ यौन शोषण होता रहा, शारीरिक शोषण होता रहा, 49 उसने वीडियो बनाए, और लॉ की छात्रा है, तो लॉ की छात्रा को 49 वीडियो बनाने के बाद पता चला कि मेरा शोषण हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ये जांच का विषय है। इसमें चिन्मयानंद दोषी है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और लड़की भी कहीं दोषी है, अगर सजा फंसाने का काम किया गया है, कोई ब्लैकमेलिंग का काम किया गया है, तो उसे भी सजा मिलनी। शाजापुर में रंगदारी मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित छात्रा ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। पूर्व गृह राज्य मंत्री से 5 करोड़ की रंगदारी के मामले में पीड़ित छात्रा SIT की सुरक्षा में जिला जज के यहां अग्रिम जमानत की धारा 438 CRPC के तहत अर्जी पेश की, जहां करीब 2 बजे पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई, जिस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने जोरदार बहस हुई। करीब 45 मिनट चली बहस के बाद अर्जी आदेश हेतु सुरक्षित कर ली गई। वहीं दूसरी ओर SIT कोर्ट के बाहर छात्रा पर अर्जी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र एंटीसिपेटरी बेल को लेकर दिया गया था, लेकिन कोई ग्राउंड ऐसी नहीं थी कि जिसमें एंटीसिपेटरी बेल को क्लेम कर सकते थे। बहरहाल बहस हो गई है, निर्णय जज साहब करना।
में फाइल की थी और उससे पहले जो भी क्राइम नंबर हैं 445 और 442 जो थाना कोतवाली पे दर्ज हैं और दलही पुलिस द्वारा जो एप्लीकेशन SIT को दी गई थी जिस पे अलग से क्राइम नंबर दर्ज न करते हुए और कोई तफ्तीश शुरू नहीं की गई थी और उस लड़की के वर्जन को नहीं रखा गया था, ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल पर बहस किया जाना संभव नहीं था। उस पे मैंने एप्लीकेशन मूव की थी। ऑनरेबल कोर्ट ने एट लेंथ आर्गूमेंट सुनने के बाद मेरी एप्लीकेशन अलाउड की और एंटीसिपेटरी प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट किया है कि वो अपना सारा रिकॉर्ड लेके आए और आर्गुमेंट के टाइम लेके न्यायालय में उपस्थित हो। शाजापुर के सिंदौली थाना क्षेत्र में भूत प्रेत का मामला सामने आया है। घटना खीर या रसुलपुर गांव की है, जहां एक महिला अपने पुत्र को लेकर भूत उतरवाने के लिए एक ढोंगी बाबा के पास गई, जिसके चलते ढोंगी बाबा ने तंत्र मंत्र की आड़ में पहले माँ बेटे को बांध दिया और मारपीट करते हुए बेटे को पेशाब पिला दिया, जिसे देखकर एक युवक ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचे पर बाबा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मुरादाबाद के केंद्रीय विद्यालय में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बच्चे हथियार लेकर स्कूल पहुंच गए। दरअसल इन दिनों बच्चे पबजी गेम के इतने दीवाने हैं कि वो गेम में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल व चाकू लेकर क्लास में पहुंच गए। क्लास में पढ़ने वाले अन्य बच्चों ने जब इन बच्चों के पास तेज धार वाले चाकू व बिल्कुल असली नजर आने वाली पिस्टल को देखा तो वह घबरा गए और उन्होंने शोर मचा दिया, जिस पर टीचर ने पूरी जानकारी की और बच्चों के पास चाकू व पिस्टल देखकर स्कूल के प्रिंसिपल को सूचना दी। जब बच्चों से पूछा गया कि यह सामान कहां से आया तो बच्चों ने बताया कि पबजी में इस तरीके का सामान इस्तेमाल होता है और उसी को देखकर उन्होंने यह पिस्टल और चाकू खरीदा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया और अनुशासन समिति ने छानबीन करार कर एक हफ्ते के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया है। कुछ बच्चों ने हमें रिपोर्ट किया कि कुछ बच्चे 7वीं 8वीं के आपत्तिजनक स्कूल में चीज़ लेके आए हैं, तो तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए अनुशासन समिति को कक्षा के औचक निरीक्षण हेतु भेजा गया। कुछ देर बाद वो अपना 2 चक्कू और साथ में चेन वगैरह को लेके आए और एक उसमें चाइनीज पिस्टल गन भी थी, जो कि खिलौना गन थी। तो ये सब बच्चों पर पबजी और जो सोशल मीडिया है उसके कुप्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों पर। ये इसमें 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे संलिप्त पाए गए हैं। इसमें 5 बच्चों को समिति द्वारा संलिप्त पाया गया है। अयोध्या में पितृपक्ष की 10वीं पुण्यतिथि पर गुरु परम उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव के दौरान संस्था की स्थापना करने वाले परम पूज्य ब्रह्मदेव बाबा शंकर वेद जी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सनातन धर्म के महंत ने बताया यह कार्यक्रम 15 सितंबर से आयोजित किया जा रहा है, जो 26 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जिलों से भक्तजन और श्रद्धालु शिरकत करने पहुंचे। वहीं इस अवसर पर बहुत बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिसको हम लोग गुरु पर्व उत्सव कहते हैं, मैंने गुरु पर्व उत्सव का मतलब है कि हमारे जो गुरु परंपरा में महापुरुष हैं उनका आश्विन शुक्ल पक्ष पितर पक्ष में हम लोग उनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं। यह कार्यक्रम 15 तारीख से लेकर 26 तारीख पर्यंत चलेगा। तो आज जो 10वीं तिथि है, आज के दिन उदासीन संगत ऋषि आश्रम दानोपाली के जितने महापुरुष थे उनका अर्चन वंदन पूजन हुआ एवं हमारी जो सनातन वैदिकीय परंपरा रही है उस परंपरा के अंतर्गत जो हम लोग सर्वप्रथम प्रतीक के रूप में जो हमारे सनातनीय प्रतीक है जिसको हम लोग धर्म ध्वजा कहते हैं। पटना शहर के भाजपा कार्यकर्ता पर हमले की खबर सामने आई है। घटना खाजे केला थाना क्षेत्र के बेगमा हवेली इलाके की है, जहां भाजपा कार्यकर्ता शंकर जायसवाल के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। घटना के दौरान अपराधियों ने भाजपा कार्यकर्ता पर 2 गोली चलाई गई, लेकिन कार्यकर्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने मौके पर लगे CCTV कैमरे की मदद से जाँच शुरू कर दी है।
पटना में जनमित्र ग्लोबल फाउंडेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। पाटलिपुत्रा के ब्लू पेटल्स होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर दुकानदार संघ के अध्यक्ष सहित फुटपाथ दुकान के कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। गौरतलब है कि ये संस्था झुग्गी झोपड़ी एवं फुटपाथ दुकानदारों को सहयोग प्रदान करती है। बिहार के नौका कारीगर इन दिनों आर्थिक समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। दरअसल नाव बनाने वाले कारीगर नौका बिक्री न होने के कारण आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। पटना के नवाबगंज बुदेली टोली दमराही घाट में बड़े पैमाने पर नाव बनाने वाले कारीगरों की टोली है, जो पटना के बिहार के सभी जिलों में नाव बेचते हैं। नाव बनाने वाले कारीगर रमेश चौधरी का कहना है कि गोपालगंज जिले में 2 साल पूर्व नाव की बिक्री की गई थी, लेकिन अभी तक नाव का भुगतान नहीं किया गया। वहीं दशहरा त्योहार नजदीक है, लेकिन नावों की बिक्री नहीं होने से पूर्व परिवार का पेट भी चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार की तरफ से भी इस मामले पर कोई पहल नहीं की गई है। हम लोग नाव इसी आशा में बनाते हैं कि बाढ़ आए तो सरकार नाव हमसे ले। अभी तो कोई सूचना नहीं है। हम लोग 10-12 लोग नाव बनाने वाले हैं, जो कि कोई 2-2.5 लाख कोई की जिसके पास जो जैसा पूंजी है वो बना के रखते हैं। आशा लगा के हम लोग बना रहे हैं कि चलिए आवेगा बाढ़ से हम लोग नाव निकलेगा, हम लोग को बिकेगा, बिजनेस चलेगा। ये कितना नाव बनाए? करीब करीब 40 से 50 नाव। बिहार के वैशाली महानगर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जैसे ही घर वालों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने घर में चोरी का सामान की तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद गांव से कुछ ही दूर बगीचे में चोरी का कुछ सामान बरामद हुआ, जिसके चलते गांव के लोगों ने एक चोर को धर दबोचा, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ। वहीं दूसरा चोर फरार हो गया और घर वालों की माने तो कीमती सामान सहित 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। असम के बरपेटा रोड पर टंकी निर्माण के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग के बाथरूम के टंकी बनाने के समय टंकी के अंदर 3 श्रमिक जब अपना काम करने के लिए अंदर गए और जिंदा वापस नहीं लौटे। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन टंकी 10 से 13 फुट गहरी होने के चलते सभी असमर्थ दिखाई दिए, जिसके बाद सूचना मिलने पर SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकाले और मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नवतेज TV।